एमडीयू प्रशासन भाई। और इसी रजिस्ट्रार भी क्या करेगा, अगला करेगा कुर्सी पे बैठा चपके।
गए उन मेंबरा की जोड़ो गुलामा इतिया साइन मार मार आ गए। मैं पर बीसी वासी आया कि नहीं आया? भाई सुधीर राजपाल की त्रिया कुर्सी काट के बाहर बैठा गया, वो भी ठीक ना लग गया। बुला लो एक बार से होता पूछा मेरे घर में डीसी साहब ने मैं देखते ही इंजीनियर इंजीनियर टीचर साहब ने देखते ही उछाल लिए कनाडे हैं। भाई कोठी में काम चल रहा है, एक बात बताओ भाई इंजीनियर वाला कोई बाड़ा खड़ा हो कितनी बीस है मंडप को मेरा कोसा हो साली की कितनी बीस है बीसी साहब की कोठी में कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिन ताजमहल में रिपेयर करने लग रही है प्रमाणित ना होगा गेड़े अब दो चार आदमी है मैं दो चार आदमी रेड दी मेल चाहिए अगर इतनी सुविधा अच्छी है तो भाई सीएम शूट भी है यूनिवर्सिटी में गवर्नर शूट भी है उड़े रह जाओ वेरी तो बंद पड़े हैं खिलाड़ी सुविधा मांगे बजट में मेडल ले गांव में फोटो तरवारो गेट बार में बैठ के अठनी मामला लाग जब इसी सब दोनों हाथ फैलेंगे उन्होंने पट्टे मारी यूनिवर्सिटी तो दिवालिया घोषित नहीं हो रहा इस यूनिवर्सिटी को चलाने में सबसे ज्यादा अहम योगदान है तो इस यूनिवर्सिटी के खिलाड़ियों का विद्यार्थियों का है लेकिन लूटने में अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेवार है तो चाहे कोई वाइस चांसलर आए हो चाहे रजिस्ट्रार आए हो ये लूट के ले जाए इस यूनिवर्सिटी में और मुंह मत गौरी और मुंह मत कचनी की तरह लूट के लेके जाते मैं तो एक बात कहना चाहूंगा अब सिर्फ क्लासरूम में बैठ के एक डिग्री लेके जाना कोई एजुकेशन नहीं है एजुकेशन अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी है और अपने अधिकार मांगे नहीं जाते छीने जाते हैं और छीन जाते हैं मेरी जिम्मेवारी है पुलिस वाले से 500 रुपया पैसे का कॉलर नहीं पकड़ा जा पाया मैं जिम्मेवार हूँ आपसे शुरू करते हैं अब क्लास ऑनलाइन लग रही है हॉस्टल मिल नहीं रहे तो बच्चों को दोनों विकल्प दिए जाए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दे देंगे नोटिफिकेशन पढ़ा आप सर कहां से पढ़ा है वो कौन से बात कर एक मिनट सुनो छोटे भाई दूसरी चीज उसमें कंडीशन डाल रखी है सर आप हरियाणा से बाहर के होने चाहिए या कोरोना पॉजिटिव होने चाहिए जबकि डेली अप डाउन पॉसिबल नहीं है बस भी इतनी नहीं चल रही आंदोलन भी चल रहा है किसान आंदोलन हॉस्टल बच्चों को मिल नहीं रहे हॉस्टल भी खोल दो फिर बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहां भी तो कोरोना फैलने का खतरा है बस में आओगे वहां भी कोरोना फैलने का खतरा है बच्चों को फीस लो हॉस्टल जो शुरू करो रूटीन में चीजें जी सर तीसरी डिमांड और यूनिवर्सिटी में बहुत से कोर्स और डिप्लोमे हैं जहां सीटें अब भी खाली हैं छह छह काउंसलिंग हो चुकी है एक बार दोबारा से दाखिले खोल के उन सीटों को पूरा किया जाए डेट भी बढ़ाई जाए या जरूरत पड़े तो कई कोर्सों में बहुत कम सीटें हैं वहां एक बार सीटें भी बढ़ा देनी चाहिए चौथी डिमांड इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे हैं आज बाकी लोग हम भी बताओ कितने में सीखो बताओ सर यूनिट सुनो भाई सुनो छुटिया में लड़कियां ना के नाम आज थोड़ा सा भाई एक बार साई में सुनो एक बार लेट वाला क्या यूनिट हुई है कौन से सेमेस्टर की थर्ड सेमेस्टर
सर ये एक मिनट तो ये सिलेबस की बात है ना सर, ये अकेले यूनिवर्सिटी या यूआईटी की नहीं है, मोस्टली कोर्सेज में सिलेबस नहीं हुआ सर, तो तीन क्वेश्चन वाला पैटर्न जरूर हो सर। दिक्कत कहाँ है सर? दिक्कत ये आई है कि हमारे टीचर्स ने भी क्लास नहीं ली, ऑनलाइन क्लासेस का ज्यादा अनुभव नहीं है, वेल ट्रेंड नहीं है वो, सिलेबस पूरा नहीं हुआ है और दाखिले होते ही पेपर आ गए, तो रिक्वेस्ट है कम से कम इस सेमेस्टर में तो पुराना पैटर्न अपनाना चाहिए। ऑनलाइन जी सर, ठीक है। अब एग्जामिनेशन जो है वो बता दिया कि दोनों ऑप्शन है, शायद अखबार में भी खबर आ गई हो या नहीं आ गई हो, हमारा अखबार में तो आई है। और उसके बाद ये है कि कॉलेज के प्रिंसिपल और हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट को भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करना उनकी जिम्मेवारी होती है, आप उनको ऑप्शन दोगे तो जो ऑनलाइन का ऑप्शन देंगे उनके एग्जाम ऑफलाइन ख़त्म होने के बाद, ठीक है। तो इसमें ये है कि जो ऑफलाइन एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके एग्जाम 3 मार्च से हो जाएंगे, वो एग्जाम खत्म होने के बाद फिर आपके ऑनलाइन एग्जाम। तो जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा सिलेबस नहीं हुआ है यूआईटी वाले बच्चे थर्ड सेमेस्टर का, क्योंकि नीट वाले भी थर्ड सेमेस्टर में सिलेबस ऐसा है। कॉलेजों में दीपक 2 नवंबर से फिजिकल क्लासेस का होना, क्लासेस हफ्ते में 2 नंबर से लगने लगी, 2 नंबर से नहीं लगने लगी, कोई बात नहीं। तो वो ये है कि जिन बच्चों को ये लगता है कि अभी सिलेबस नहीं हुआ है, क्लासेस उनकी चलती रहेंगी और वो उसके बाद ऑनलाइन के एग्जाम नहीं देंगे, ऑफलाइन के खत्म होने। ये है कि जो पैटर्न जो था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो ये एक और 9 क्वेश्चन होते हैं, एक कंपल्सरी होता है और 4 यूनिट में 2 क्वेश्चन होते हैं, 8 क्वेश्चन वो होते हैं, 5 करने होते हैं, 1 क्वेश्चन जो है वो आपको कंपलसरी है, बाकी हर यूनिट में से 1-1 करना होता है। पिछली बार कोविड की वजह से यूजीसी ने ये गाइडलाइन दी थी कि पेपर का जो ड्यूरेशन है वो आप कम कर सकते हैं, हमने उसके हिसाब से ड्यूरेशन कम कर दी थी क्योंकि यूजीसी की तरफ से हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल गया। अब यूजीसी ने कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है, इसलिए हम हमारे पास जो भी विद इन गाइडलाइंस जो रिलैक्सेशन दे सकते थे वो हमने शुक्रवार को डिस्कस किया, और ये है कि कोई भी 5 क्वेश्चन वो कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि पहला कंपलसरी है वो करना पड़ेगा या बाकी 8 यूनिट वाइज ये करना पड़ेगा, कोई भी 5 कर लें। उसमें ये है कि आपका 2.5-3 यूनिट भी अगर आप कैरी करोगे तो आपके 5 क्वेश्चन बड़े आराम से होंगे, तो ये इसकी बात हुई। तीसरी आपकी बात थी, अब 12 बजे मैंने मीटिंग बुलाई हुई है और उनके लिए हम आगे, पहले तो जो एप्लीकेशन आई हुई है जिनमें उनको कंसिडर करेंगे, जहाँ एप्लीकेशन एग्जॉस्ट हो गई है उसके बाद हम दोबारा एप्लीकेशन मांगने पर करेंगे, आपको दोबारा काउंसलिंग। पोस्टल का सर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिन लोगों का दो स्टार्ट कर गया एग्जाम, तो सर से भी गए होंगे ना? देखो सुनाई, एग्जाम के दौरान जो ओल्ड हॉस्टलर्स थे क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है पहले, उन सबको एग्जाम्स के दौरान जो है परमिशन दी जाएगी। जो नए स्टूडेंट आए हैं सर, वो जो कोई रिवार्डिंग नीट आ रहे हैं, नीट वालों का हॉस्टल में नीट वालों का सब नहीं, नीट वालों का आज है, नीट वालों का कंसीडर कर दिया है, लेकिन जो फर्स्ट सेमेस्टर का है वो इन एग्जाम होने के बाद हम उनको अलॉट करेंगे। एक वो ग्रीवियंस का मैटर भी, वो एडमिशन के पेंडिंग है सर फाइल, वो एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम, सिंगल फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम लो, मेजर डिसीजन आपसे बाद में। चलो सर एक बार मैं रख देता हूँ 1 सेकंड को सर, हम पीएचडी से शुरू करते हैं और इंटीग्रेटेड कोर्स पाक खत्म कर लेंगे। पीएचडी वाले हॉस्टल में रिसर्च स्कॉलर रहते हैं, उनकी उनके हॉस्टल खाली कराए गए थे समय से पहले कोरोना के टाइम पर, कोरोना के कारण हम उस टाइम पर मानते हैं कि जायज था हॉस्टल खाली कराना, लेकिन अब ये ऑर्डर करना कि भाई सामान उठा के स्टोर रूम में डाल दिया जाएगा, शायद एक रिसर्च स्कॉलर के सम्मान को कहीं ना कहीं इस बात से ठेस पहुंचती है। दूसरी चीज कंडीशन है, कंट्रोल साहब भी कह रहे थे उसमें कंडीशन डाली गई है ऑनलाइन और ऑफलाइन में,
या तो कोविड पॉजिटिव हो या परिवार में कोविड पॉजिटिव हो या किसी क्वारंटाइन सेंटर में या कई सात आठ कंडीशन है उसमें हरियाणा से बाहर के उनके लिए भी है, परंतु शायद हरियाणा में भी कोई सिरसा से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता, नारनौल से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता, पंचकूला यमुनानगर से डेली अप डाउन करके पेपर नहीं दे सकता। अगर आप उनके ऑफलाइन पेपर लेना चाह रहे हैं तो फिर हॉस्टल अलॉट करो, हॉस्टल खोलने चाहिए। उसको देखोगे उसमें जो आखिरी कॉलम जुड़ा हुआ है वो ये है कि स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, जो इस चीज़ को भी हमने कंसिडर किया था क्योंकि कुछ प्रिंसिपल्स ने कहा था कि हमारा कॉलेज सोनीपत में है, बच्चे जींद से आ रहे हैं जी सर, रोजाना नहीं है, तो वो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए ये किया था कि वो बच्चे जो हैं जो दूर से आते हैं वो अपने प्रिंसिपल्स को एप्लीकेशन दे देंगे और उनकी ऑनलाइन रिटायर हो जाएंगे, वो हमने कंडीशन पहले कहा सर। थैंक यू सर। अगली डिमांड ये थी बच्चों की कि सिलेबस पूरा नहीं है, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन पेपर इस तरीके से होना चाहिए, दो या तीन यूनिट हुई हैं जैसे गुड़िया भी बता रही थी और ला के बच्चे बता रहे थे और इंजीनियरिंग के बच्चे बता रहे थे, दो या तीन यूनिट में वो अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके, ऐसा विकल्प होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। वो हो गया ना कि पांच क्वेश्चंस कोई भी कर सकते हैं, जिनकी यूनिट एक हो जाए, गेट वाले यूनिट एक हो जाए, गेट वाले आपके बेटा ये है कि आप ऑनलाइन दे लेना सर, वो नहीं है सर, ऑनलाइन सर लेट में सर वो कंडीशन नहीं है, 10% सीट है, ओनली 10% और तो इसमें से मोस्टली खाली है सर, जो बच्चे नीट के एडमिशन वो ऑनलाइन देने के बाद ऑनलाइन दे दियो भाई, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं, ठीक है ऑनलाइन और बताओ सर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सर गाइडेंस काउंसलिंग की सीट है सर वो कम है, 30 है सर लेकिन हम सभी कम पैस के बच्चे हैं सर, और 25-26 है सर, वो सीट बढ़ा दे सर प्लीज, पिछले साल दो साल से बढ़ रही है सर और कम पैस के ही बच्चे हैं सर सभी। हाँ सर पिछले साल सर 50 थी, उससे पिछले साल ही 50 थी सर, सर 30 कर रहे जुडिशरी की पोस्ट निकली हुई है, साल में कई साल में इतनी पोस्ट निकलती है, हमारी रिक्वेस्ट है कि ला वाली लाइब्रेरी को खोला जाए तुरंत प्रभाव से, कोई बच्चा बैठ के कोई केस ला रीडिंग करना चाहता है या कोई और मैगजीन देखना चाहता है या कोई AIR देखना चाहता है तो उसके लिए उसी का एक सर काफी टाइम से डिमांड भी चल रही है, पहले भी डिमांड आई है और जरूरत भी है, सीओई साहब से भी इस बारे में दो तीन बार मेरी चर्चा हुई है, एक मर्सी चार्ज सर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी सुविधा अनुसार यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों को एक मर्सी चार्ज दें, इस एग्जाम के बाद हम निश्चिंत हो जाए सर मर्सी चार्ज को लेकर, ठीक है सर, थैंक यू। भाई आपकी यूनिवर्सिटी एक 10 ग्रेड यूनिवर्सिटी है, टाइम पे एग्जाम हो उसमें आपकी डिग्री की जो है वैल्यू जो आपकी आपके साथ जो भी एकेडमिक इश्यूज आ रहे हैं या रहने के इश्यूज आ रहे हैं वो सारे हम देखेंगे, लेकिन इस चीज़ में आप ये कीजिए कि टाइम पर एग्जाम हो जाए, टाइम पर रिजल्ट आ जाए, उसमें ये है कि आप यूनिवर्सिटी की भी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और आपकी डिग्री की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इस चीज़ का हम सभी ध्यान रखें, परिवार हम स्टूडेंट से बनता है और उसके जो भी है हम इसमें एक अच्छा माहौल बनाने के लिए जो भी सुविधाएं दे सकते हैं, जो रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन विद इन द एम्बिट ऑफ UGC गाइडलाइन वो हम देंगे। सर अब एक बार कंक्लूड कर लें सर इसको कि मर्सी चांस जो है वो इन एग्जाम्स के बाद दे दिया जाएगा, दूसरा सर ऑनलाइन का भी विकल्प है, HOD से एप्लीकेशन देके या डायरेक्टर से एप्लीकेशन देके बच्चा ऑनलाइन भी एग्जाम दे सकता है, वो बच्चा। हाँ हाँ तीसरा था जी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो उसमें कोई भी पांच आपने कर दिया कि कोई यूनिट का कोई चक्कर नहीं, कोई भी पांच कर दे। चौथा सर हॉस्टल का है, PhD वाले हॉस्टल तो मैं मानता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं खाली कराने, और जो ये बच्चे हैं इनका दोबारा से हॉस्टल देने का दोबारा से प्रोसेस शुरू किया जाए, क्योंकि स्कूल में क्लास लगनी चाहिए, थोड़ा चाहे तीन दिन
ओड इवन के हिसाब से लगा लिया किसी भी तरीके से। अब तो हम ये है कि अगले सेमेस्टर से फिजिकल क्लासेस लगवाएंगे तो हॉस्टल का और हॉस्टल का और हो जाएंगे। अब जैसे अब ये कोविड से थोड़ा राहत मिलने लग रही है और आहिस्ता आहिस्ता हमें जैसे लैब खोल दी है, हमने कुछ एग्जाम कराए हैं, कुछ डाउट क्लासेस का हमने अभी किया हुआ है, जिनको सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट है टीचर अपने हेड से या प्रिंसिपल से टीचर और फिजिकल टीचर क्लासेस लगा सकते हैं। कारण दिक्कत आ रही है के कारण बस में बच्चा बस में छोटे भाई एक सेकंड बच्चा बस में ज्यादा सेफ है या हॉस्टल के अपने कमरे में? बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हॉस्टल्स के लिए अभी जैसे बताया कि पहले ये एग्जाम का हम पर बंद करेंगे और क्योंकि अभी तक गाइडलाइन ये है यूजीसी की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कि हॉस्टल में रूम शेयरिंग अभी अलाउड नहीं है। हमारा तो सिंगल है सर, सारे नहीं सारे सिर्फ यूआईटी में दिक्कत है, पीएचडी वाला भी सिंगल है और ला का भी सिंगल है, लगभग सिंगल हिसार का भी सिंगल है। ये एग्जाम हो जाने के बाद हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर वालों की जो है वो अलॉटमेंट करेंगे और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सारे। तो फिर सर ये हो जाए कि जो जिन बच्चों को हॉस्टल नहीं मिला दूर से आना हो ऑनलाइन पेपर दे सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एचओडी जो है नहीं सबके पास नोटिफिकेशन जा रहा है। ठीक है सर, एक और रिक्वेस्ट थी सर, छोटी हालांकि स्टूडेंटों से रिलेटेड नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी एक परिवार, हम भी इस परिवार का सदस्य है, अतिया सिक्योरिटी वाले सिर्फ हमारे धक्के उठने ही ना हो इनकी चार महीने रजिस्ट्रार साहब इस बारे में थोड़ा सा चल रहा है। कंपनी कहीं ऐसा ना हो, पहले भी वो हिंदुस्तान वाले थे जो हिंदुस्तान कंपनी थी उनकी सिक्योरिटी हमारे पास है, तो सिक्योरिटी उनकी भी थी सर, डेढ़ महीने की तनख्वाह लेनी चलेगी, उनकी दिक्कत नहीं है। अब ये गरीब आदमी है, बच्चों की फीस भरनी पड़े, हर कॉलेज में भी इनके बालक पढ़ना भी लिए, अब कम से कम इतना तो हो अब इनकी तनख्वाह मिल जा, अन्यथा हमने फिर चंदा इकट्ठा करके इनकी तनख्वाह देनी पड़ेगी। ये नौबत नहीं आएगी। हाँ ये आप हम जिम्मेवार मान जिम्मेवारी माना जी आपने ले ली, तो चार महीने की होगी जी, कब से आ जाओगे? ठेकेदार तो सर ठेकेदार तो बाउंड है, उसकी एब्सोल्यूट लायबिलिटी है यूनिवर्सिटी के प्रति, अपने गार्ड्स के प्रति, और ये लायबिलिटी आपकी भी है। इनकी तनख्वाह डाल सारी पिछली तो चल रही है नवंबर तक की, चौथा महीना नवंबर पेड़ इन दिसंबर तो आ चुका सर, दिक्कत कहाँ आ रही है सर? उसने के दिन रुके हैं यूनिवर्सिटी के पास दिसंबर जनवरी दो महीने की नहीं सर, वो तो देखो हमारी डिमांड ठीक ही नहीं किया तो घर की बात है सर, हमारे तो दाखिले की बात थी। चलो एक आखिरी बात आखिरी बात करके खत्म करता हूँ भाई, ऐसा सुनो भाई आप सभी इस यूनिवर्सिटी के ब्रांड एम्बेसडर हो, जो आप में जो है वो ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक सर और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अब ये यूनिवर्सिटी अपने खिलाड़ियों के लिए जानी जाती है, बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा जो है हमारे मेडल आते हैं, अब उसके अनुसार अब मैं देखा था मैंने ग्राउंड में जाकर मैंने वैसे देखा, नहीं तो वो सुविधाएं रही जो पहले थी नहीं, वो ग्राउंड रहे थोड़ा सा, वीसी साहब की कोठी बनने लग रही है, कितने सुथरे सुथरे रोड बनने लग रहे हैं, हमारे ब्रेन भी थोड़ा ध्यान दे दो, थोड़े से तीन सब्जेक्ट लिख रहे कि मैं दोगे रपिये दोगे फिर एनर्जी पे तो काम चलेगा जी, खेला का सामान नहीं आओगा, ग्राउंड अच्छे नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी, कहाँ से मेडल आऊंगा? स्पोर्ट्स काउंसिल जो है ना बहुत रिसोर्सफुल सर, सर यूनिवर्सिटी के पास भी बहुत पैसा है, सरकार के पास भी घना है, यूनिवर्सिटी मांगो मांगती तो कोई नहीं, 100 रुपये पेट्रोल कर रखा है भी पैसा नहीं आऊंगा। ठीक है सर, सर 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 एक रिक्वेस्ट सर,
बच्चे क्लास बच्चे कर मेल बोल रहे हैं जिससे ज्यादातर क्यों हमने आपका नोटिस आते ही हॉस्टल खाली करे थे, 24 घंटे के अंदर खाली करे थे, जैसा था वैसा खाली करे। हमारी किताब भी डिमक के कारण खराब हुई, हमारे कपड़े भी खराब हुए, लेकिन हमने आपके ऑर्डर को फॉलो किया, समय से पहले खाली करे। अब कम से कम यूनिवर्सिटी ऐसा सोतेला व्यवहार तो हमारे साथ ना करे। अगर भाई सामान ठाओ नहीं तो स्टोर रूम में चला जाएगा, एक टकराव की स्थिति यहाँ पैदा नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन। सामान किसी बच्चे को नहीं गई, अलॉट आप कर नहीं रहे, अलॉटमेंट हो रही है। अलॉटमेंट 3 हॉस्टल सिंगल है जो डबल शेयरिंग थी, हॉस्टल नंबर 4, हॉस्टल नंबर 7 और हॉस्टल नंबर 10। सर दो उनके तीनों के अंदर अब UGC के हिसाब से एक सीट देनी है, जहाँ 127 में 254 बच्चे थे और 254 की जगह कहीं 300 भी भर रखे थे, वो गलत भर रखे थे। हर बच्चे की सुरक्षा की हमारी जिम्मेवारी है, एक कमरे में एक ही बच्चे को कमरा दिया जा रहा है, कोई लावाड़े में सिंगल है, लाह में सिंगल है, पीएचडी में सिंगल है। पीएचडी के अंदर जो UGC का कानून है, जो यूनिवर्सिटी का जो कानून है, जिस बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है चाहे वो JRF हो चाहे वो URST, हमने URS को प्रायोरिटी दी है, बल्कि लेकिन हॉस्टल वाले तो ये कह रहे हैं सर अक्सर साइंसिस के सर मैं भी URS ले हूँ, मेरे तो बना दिया हॉस्टल, ये 23 तारीख को मेरे को तो नहीं दिया हॉस्टल, ये 23 तारीख को बच्चे आए थे मेरे पास, ये हमने चंडीगढ़ से होम मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी होती है, वो आ गई, पुराने स्टूडेंट है आ गई है, उनका आप सामान उठवा रहे हो, मैं आप क्या खड़ा, मेरा URS है, यूनिवर्सिटी का रजिस्टर्ड स्कॉलर हूँ, ये गलत आज ही नहीं, ये गलत है, तो मेरे को हॉस्टल दे दो ना, ये हॉस्टल जो यू मैं आपके आगे एक एग्जाम्पल खड़ा हूँ, मेरे को दे दो हॉस्टल, 20 बच्चे के 4 साल हॉस्टल कहाँ है सर, 4 साल की कोई कंडीशन नहीं होती सर, रिसर्च में आप ऑर्डिनेंस पढ़े सर, कोई कंडीशन नहीं सर, रिसर्च स्कॉलरशिप बने तो बादशाह ही नहीं थी मेरी, दीदी रह रही सर सर अगर आप ये मानते हॉस्टल दिए जा रहे हैं तो हम फार्म लेके हॉस्टल लेवा, अगर नहीं दिए जा रहे तो हम सामान नहीं उठाएंगे, कोई टकराव की स्थिति और अथॉरिटी के बीच आई तो स्टूडेंट जिम्मेवार नहीं होंगे सर, धन्यवाद। प्रदीप जी किन मांगों को लेके आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया था? पुराने छात्रों के लिए मर्सी चांस की हमारी मांग थी जो काफी लंबे समय से चली आ रही थी, कोरोना के कारण जो है हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए थे, अब उस मांग को लेकर भी मिले थे, और हॉस्टलों की जो एक समस्या थी विद्यार्थियों के सामने, रिसर्च स्कॉलरों के हॉस्टल खाली कराए जा रहे थे, जो नए एडमिशन जिनके हुए थे उनको हॉस्टल नहीं दिए जा रहे थे, वो भी एक समस्या बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त सिलेबस पूरा नहीं हुआ है UTD में किसी भी कोर्स में, वो भी एक बड़ी समस्या थी। इसके अतिरिक्त जुडिशरी की पोस्ट निकली हुई है परंतु लाइब्रेरी न खुलने के कारण बच्चों को अपनी तैयारी करने में एक बड़ी परेशानी आ रही थी, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड एग्जाम के होने चाहिए, और जो दूर दराज के क्षेत्र से जो विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है इस यूनिवर्सिटी में एडमिटेड है या एडमिशन लिए हुए है उनके लिए ऑनलाइन का भी एक प्रावधान कराने के लिए आज एक प्रोटेस्ट था। यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड पर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन डॉक्टर सिंधु जी ने विद्यार्थियों के बीच में आकर कहा है कि जल्द ही मर्सी चांस दिया जाएगा, और COI साहब ने साथ में ये भी आश्वासन दिया है कि दोनों मोड में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों